क्या करूं यार, टिकटॉक देखता हूं कुछ तो बढ़िया मिलेगा। सन्नी लियोनी, कोई दूसरा? हेलो गाइस, आई एम मिया खलीफा। मिया खलीफा, क्या करूं, बाहर चलते हैं। अरे माँ, पूरे दिन रामायण देखती बैठ का रिमोट जोड़ के सुनाई ना देती। माँ, सीता जी को राम बचा तो लेंगे ना? मुझे नहीं पता। कहाँ जा रहा बेटा? बाहर चिकचोक बनाने। लेकिन बेटा लॉकडाउन हो रहा है, बाहर पुलिस वाले खड़े हैं। Oh dad, you know me ना, I'm a TikTok star, मुझे कुछ नहीं होगा। You old man. मैं तो तेरे भले के लिए कह रहा हूँ। Oh papa, you don't know what the power of a TikToker. मैं यूं गया और यूं आया। शायद लॉकडाउन स्टारों के लिए नहीं होगा। मेरा बेटा स्टार। अरे बेटा, पुलिस मिली? हाँ मिले थे ना। कुछ बोला? उसकी सेल्फी लेकर चले गए और कुछ नहीं। क्या बात है, अगर तेरी पुलिस वालों से इतनी जान पहचान है तो घर का राशन खत्म हो रहा है, जा जाके राशन लिया? नहीं। क्यों? अरे वो दुकानें बंद है ना। अरे तो पुलिस वालों को बोल दे, वो खुलवा देंगे। खोल तो कुछ और ही दिया था उन्होंने। मतलब? मैंने कुछ कुछ सेड़ा। कहाँ बच्चू, कहाँ बच्चू, तेरे घर में मार दियो उसे, नहीं तो वो हंटा वायरस फैला देगा। और भाई मैं ना अभी पढ़ाई करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो डिस्टर्ब मत करियो मेरे को। भाई मैं तो बस इस लॉकडाउन के बीच में फंस गया, वरना तेरे को पता है मैं उसकी गांड फाड़ देता। मैं भूल गया कौन हूँ मैं डॉक्टर साहब यानी उसका बाप। अबे यार मैं जिम ज्वाइन कर लिया मैंने, ठीक है, और उसकी बहन, हाँ भाई उसकी बहन के घर में भी चल पड़ेंगे कार्ड देने, कोई दिक्कत नहीं है। क्या भाई बाइक? अरे यार तू शायद मेरे पापा को भूल गया, मेरे पापा दिल के कितने अच्छे हैं यार, एक बार बोलूँगा बस यार वो बाइक की चाबी मेरे को दे देंगे, तू इस बात की दिक्कत मत ले। चल ठीक है भाई। पापा आप, क्या बात हो रही थी बेटा? वो पापा दोस्त के बहन की शादी है ना, तो उस सिलसिले में बात चल रही थी। कौन सी तारीख को? वो ये क्या बोलते हैं, वो ये अपना वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसे, वो तो दोस्त को पता होगा ना। मैं चलता हूँ। हेलो, कहाँ बे? मैं तो घर पर हूँ। अच्छा तो ये बता तेरे घर पे कौन कौन है? मेरे घर पे इस वक्त कोई भी नहीं है। क्यों, कहाँ गए? सब राशन लेने गए हैं। अबे तुझे पता है मेरे घर वाले भी राशन लेने गए हैं, जल्दी अड्डे पे आ जा। यह अड्डा क्या होता है? अबे ऑफिस, ओ गृह मंत्रालय। हाँ जल्दी आ बहन चोद। ठीक है हम अभी प्रकट होते हैं। जी भैया बोलिए ना। तू केडी है ना? जी भैया। यार एक बात बोलूं? जी भैया बोलिए ना। तू कुछ और दिन घर में रहा ना तो गाली देना भूल जाएगा। वैसे बात तो सही है। प्रैक्टिस करता रहियो, दुनिया बड़ी बहनचोद है। ये क्या होता है? यार देश का लॉकडाउन तब तक ठीक था, घर का लॉकडाउन भी ठीक था, कमरे का भी लॉकडाउन। ऑफिसर तो पूछता हूँ क्या कर रहा है।
हारे खड़े टाइम का जिम है। क्या करूँ यार, गेम खेल लेता हूँ। इसकी बैटरी खत्म, कीप के करूँ। यार एक हफ्ते बाद फोन मिला है, चल उसके मजे लेता हूँ। हाँ लोगी। और भाई कैसा है? कुछ नहीं यार, लगातार 3 दिन WWF खेल खेल के थक गया था, और अब लगातार 4 दिन से बहुत आराम कर कर के थक गया हूँ। सोच रहा हूँ थोड़ा आराम कर लूँ यार, फिर आराम से आराम करूँगा, फिर आराम से सो जाऊँगा, कल फिर आराम करूँगा। तो भी कर, ठीक है, बाय। यार इसे तो मेरे ही मजे ले लिए। और भाई सेल्फी ले रहा क्या? सेल्फी कहाँ यार, टिकटॉक बना रहा था। जी तुम ही तो बनोगे स्टार। हम कहाँ यार स्टार, स्टार तो वो है फेजू, मंजुल, रियाज। जी मेरा कद्दू का स्टार, स्टार तो हम बनेंगे। भाई बोलने में और करने में बहुत अंतर होता है। 21 दिन का लॉकडाउन है ना, 21 दिन बाद बात करता हूँ। 21 दिन बाद टिकटॉक पे एक ही नाम होगा, ऑफिसर लोकेश। जी कौन है? मैं तो हूँ। एक मिनट यार, टिकटॉक आईडी बना दे। मतलब? तभी तो स्टार बनूंगा। किस दिन बाद? अबे बावली कैंड। क्या कर रहा भाई? टिकटॉक बना रहा है, टक्कर में आने की सोच रहा है। किसकी? पुटली भाई की। ये कौन है? मैं ही तो हूँ। और कुछ ना जानूं मैं, बस इतना ही जानूं। बाजीगर मैं बाजीगर। भाई क्या हुआ, टिकटॉक बना रहे क्या? नहीं यार, फोटो ले रहा हूँ। आज टिकटॉक बनाने नहीं गया? नहीं यार। क्यों? यार व्यूज ही नहीं आते। क्यों, बन गया टिकटॉक स्टार? भाई टिकटॉक पे सिर्फ एक ही बंदा स्टार बनेगा, डॉक्टर सा। ये कौन है? मैं ही तो हूँ। चल बॉस एडी। यार 21 दिन का लॉकडाउन, काश यार मेरी भी एक बंदी होती। अरे है ना भाई, जेब में लेके घूमता है। मेरे पास मेरी बंदी है, भूल गया था, मेरा तो टाइम पास हो गया। तो भाई मेरा तू परेशान लग रहा है क्या? यार देखना इसे, पूरा पूरा दिन बंदी से बात करता है, मेरी तरफ देखता ही नहीं। तो तू भी कर ले। क्या मेरी बंदी नहीं है? वैसे तेरे को एक बात बताऊं, मेरी भी बंदी नहीं है। कैसे खड़े हुए दोनों?
भाई भाई भाभी को बोल के हम दो गरीबों की भी सेटिंग करा दे। एक मिनट बाबू, तुम होल्ड रखना, सेटिंग करा दो। तुम्हारी शक्ल देखी अपनी है, पर्सनैलिटी कुछ है? अबे पर्सनैलिटी देखती है लड़कियां, समझे? हो गया तेरा? हो गया ब्रो। कहाँ खोया रहता है यार? यार बाबू की याद आ रही थी। और देख बाबू का नाम लिया, बाबू का फोन हाजिर। शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। हेलो। हेलो, कहाँ आया तुम? मैं घर पे हूँ बाबू। यार तुम ना मुझसे प्यार ही नहीं करते, पुलिस वालों को इतना डर है तुम्हें? अरे नहीं बाबू, ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारे बाबू की इतनी चलती है। तो अगर मैं तुम्हें एक डेयर दूँ तो क्या करोगे? ऑफ कोर्स। तो तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा, और अगर तुम मेरे घर आ गए तो तुम्हें मिलेगी एक प्यारी सी किस्सी। नहीं भाई नहीं। ओके बाबू, मैं अभी आया। ओके, योर टाइम स्टार्ट नाउ। मैं तो चला। वो क्या बात है, बड़ी जल्दी आ गया, किस मिली क्या? नहीं। क्यों? चल। कहाँ? फ्लैशबैक में। जा रहे इतने जल्दी में? पूछना जी, आड़े जाऊं था। मेरा नहीं, लॉकडाउन चल रहा है। मेरा जी। तेरे घर आने टिक्का जाता ना? नीब टिक्का जाएगा। बोला था ना मत जा। हेलो। क्या हुआ बाबू, तुम आए नहीं? तुम्हारा बाबू उबला हुआ आलू बन चुका है। मतलब? मतलब फोन कट कट। आयोगी माँ। हाँ भाई। लोग यार 5 दिन हो गए लॉकडाउन में, एक सिगरेट तक नहीं पिया यार। सिगरेट दे जा यार। भाई मैं कहाँ से पिलाऊँ यार, कहीं से भी लिया भाई। भाई जो हाल तेरा वही मेरा हो रहा है, लॉकडाउन में सारी दुकानें बंद है। मैंने अपने जान पहचान वालों से भी पूछ ली, किसी के पास नहीं है। कैसी तेरी खुदगर्जी, ना धूप चुने ना छाओ। कैसी तेरी खुदगर्जी, किसी ठोर टिके ना पाओ। मस्त मौला मस्त कलंदर, तू हवा का एक बवंडर। बुझते ही अंदर ही अंदर क्यों रह गया कबीरा। हेलो की वे भाई कहाँ है? घर। अबे सिगरेट की डब्बी का इंतजाम हो गया, आजा। तू कहाँ है? बरात घर में आया। ले भाई, कितनी मुश्किल से मिली है। जला? नहीं यार, मैं सिगरेट को नहीं पीऊंगा। क्यों भाई? इस पे देख क्या लिखा हुआ है, तंबाकू कोज कैंसर। तुझे पता है इंडिया में 90% लोग सिगरेट पीना छोड़ देते हैं। इसे पढ़कर? नहीं, मरकर। यार सोच, हमने 21 दिन से सिगरेट नहीं पी, हम लोग मर गए क्या? नहीं। इस लॉकडाउन से एक फायदा तो अच्छा हुआ कि हमारी सिगरेट पीना छूट गई। सोच, अगर हमारे साथ भी ऐसा हादसा हो जाए तो हमारे माँ बाप का क्या होगा?
बहुत खुश नसीब है भाई जो हमारे साथ ये हादसा नहीं हुआ, इसलिए मैं ये सिगरेट नहीं पीऊंगा। थैंक यू सो मच गाइज वीडियो को पूरा देखने के लिए। मेरे पास बहुत सारे दोस्तों और भाइयों के मैसेज आ रहे थे कि भाई तू वीडियो क्यों नहीं बना रहा। तो भाई आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन चला हुआ इंडिया में कोरोना वायरस के चलते, और मुझे शूट करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है मुझे। क्या मेरे जितने भी फ्रेंड्स यूट्यूबर हैं सबको यही दिक्कत आ रही है, बट फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि घर पर कुछ ना कुछ बना के हम आप लोगों को एंटरटेनमेंट करते रहें। और वीडियो लेट आ रही है उसके लिए दिल से सॉरी। ये बात रही हमारी। अब मैं आप लोगों के लिए कुछ कहना चाहूँगा कि कोरोना वायरस के चलते सरकार ने जो भी नियम बनाए हैं आप प्लीज़ उन नियमों का पालन करो, घर पर रहो, सुरक्षित रहो, अपनी रक्षा करो, अपने घर वालों की रक्षा करो, बाहर कम निकलो। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर मत जाओ, क्योंकि बहुत से लोगों की ज़रूरत होती है, केमिस्ट हो गया, सब्जी वगैरह, तो मास्क लगा के जाओ, बाहर से आओ, अपने हाथों को सैनिटाइज करो और बस सुरक्षित रहो गाइज। स्टे होम, स्टे सेफ, और गाइज बस यही कहना चाहूँगा, ठीक रहो यार, खुश रहो बस।